तो बढ़ते एक बार फिर से खबरों की ओर। पटना के जैविक उद्यान में सुबह और शाम की सैर पर पाबंदी लग सकती है। केंद्रीय चिड़ियाघर के प्राधिकरण के वरीय अधिकारी डीएन सिंह ने कहा है कि पिछले 10 साल से इसे बंद करने का निर्देश दिया जा रहा है लेकिन अमल में नहीं लाया गया। लेकिन दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने ऐसी किसी भी पाबंदी का विरोध करने का फैसला लिया है। इनका कहना है कि मॉर्निंग और इवनिंग वॉक से जानवरों को कोई नुकसान नहीं हो रहा, हाँ उनकी सेहत जरूर बन रही है क्योंकि सुबह सुबह आना, पार्क में घूमना और जानवरों को निहारना न सिर्फ जानवरों के लिए अच्छा होता है बल्कि इंसानों के लिए भी अच्छा होता है कि वो प्राकृतिक वातावरण का लुत्फ उठाते हुए वृक्षों के हरे भरे पत्तियों को निहारते हुए मॉर्निंग वॉक करते हैं और उनका व्यायाम होता है, शरीर तंदुरुस्त बनता है। मॉर्निंग वॉक करने के लिए अल्टरनेटिव्स यहाँ अवेलेबल है, जो इको पार्क बन रखा है, जो गेट से बाहर निकलिए रोड के दोनों साइड में ट्रैकिंग पाथ अच्छा बन रखा है। अब जो है चिड़ियाघर डायरेक्टर से चीफ एलावरण महोदय से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कृपया मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक यहाँ से बंद कर दें तत्काल प्रभाव से। बहुत बार हम लोग रिक्वेस्ट करते आए हैं फिर भी ये जो दिलासा दे रहे हैं, जो एश्योरेंस दे रहे हैं डायरेक्टर साहब झूठा है, हम लोगों को मिसगाइड करते हैं। अब ये बंद कर दे जब अल्टरनेटिव है, नहीं तो सेंट्रल जू अथॉरिटी को मजबूरन हम लोगों को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। रोक लगाया जा रहा है ये तो सही नहीं है क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ जितना बढ़िया ऑक्सीजन मिल जाता है टहलने वालों को, इससे अच्छा और जगह नहीं है। और पटना में कुछ ही जगह है जहाँ के लोग शांतिपूर्वक टहल पाते हैं क्योंकि रोड पर इतना प्रॉब्लम है कि घूमना संभव नहीं लगता है। जितने भी मॉर्निंग या इवनिंग वॉकर हैं वो सारे जू के वेल विशर हैं, बहुत तरह के एडवाइस भी वो लोग देते हैं जू के डेवलपमेंट के लिए। तो और एक तरह से पिछले 25 साल से तो हम ही वॉक कर रहे हैं, तो ये रोक लगाना तो समझ में नहीं आ रहा उचित है। बिहार सरकार शराबबंदी के बाद क्षेत्रीय फिल्मों में अश्लीलता पर रोक लगाने की तैयारी में जुटी है। जी मीडिया से खास बातचीत में बिहार के कला और संस्कृति मंत्री शिवचंद्र राम ने बताया कि राज्य में नई फिल्म नीति बनाने की तैयारी चल रही है। बिहार में शराबबंदी के बाद बिहार सरकार एक और कड़ा फैसला उठाने वाली है और ये है बिहार की जो फिल्में बनती है, भोजपुरी फिल्में या फिर बिहार की जो स्थानीय भाषा की फिल्में बनती है, उसमें अश्लीलता पे अब रोक लगाई जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के कला संस्कृति मंत्री शिवचंद्र राम जी। शिवचंद्र जी, क्या है आपका फैसला और क्या कुछ बिहार के फिल्मों में आप कुछ नया करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो बिहार में जो हमारी फिल्में हैं, जो पहले जैसे भोजपुरी फिल्म बनती थी उसमें जो जिस तरीके के सामाजिक फिल्म बनाए जाते थे, अभी भोजपुरी फिल्म में अश्लीलता देखी जा रही है। पहले लोग परिवार के साथ उसको देखते थे, आज परिवार के साथ देखने में लोग हिचकिचाहट करते हैं। इसके लिए हमने भारत सरकार से हमने मांग किया है कि सेंसर बोर्ड हो। जब सेंसर बोर्ड जब यहाँ होगा तो उस परिस्थिति में सेंसर करने की पावर बिहार के हो जाएगा, यहाँ के लोग करेंगे तो फिल्में देख करके उसको काट छांट करके फिल्म चलाएगी और किसी भी हाल में। इसी के लिए हम फिल्म नीति बनाने जा रहे हैं। सुचन जी, यानी कि बिहार की जो भोजपुरी फिल्में बनती है जिसमें वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो अब धीरे धीरे उस पर रोक लग जाएगी? एकदम निश्चित रूप से रोक लगेगा, एकदम लगेगा। उस तरीका का हमारा कहना है कि हमारा बिहार ऐतिहासिक बिहार रहा है, ये बिहार सामाजिक स्तर के और हमारी सारी सभ्यता किसकी अच्छी रही है और हमारे यहाँ के लोगों का जो दूसरे राज नकल करते हैं, इसलिए भोजपुरी फिल्म में जो अश्लीलता है अब चलने नहीं दिया जाएगा और उसको हम लोग समाप्त करने का काम करें। क्या कुछ कदम उठाएगी सरकार आपके? कदम क्या उठाएगी, हम इसके लिए तो कहा ना कि सेंसर बोर्ड में और राज्य में सेंसर करने की उसकी भाषी फिल्म की भाषा जो फिल्में बनेगी उसके लिए और राज्य में इसका लोगों ने दे दिया है, उसकी मान्यता दे दी है, बिहार को नहीं दिया है। हमने जेटली जी को पत्र लिखा है और उन्होंने संतोषजनक पत्र लिखा, लेकिन बहुत लेट हो गया, 2 महीना पहले आया और अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, हमको असंतोष हो रहा है। पुनः फिर हम इनको एक पत्र लिखेंगे कि अति शीघ्र हमको सेंसर करने का पावर बिहार गवर्नमेंट को आप दीजिए कि ताकि हम यहाँ पर जो अश्लीलता भोजपुरी फिल्म में आ गई है उसको हम समाप्त करें। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बिहार के कला संस्कृति मंत्री शिवचंद्र राम जी, जिनके तेवर से साफ है कि अब बिहार में जो भी भोजपुरी फिल्म बनेगा वो साफ सुथरा होगा, उसमें वल्गरिटी नहीं होगी। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ आनंद अमृता, जी मीडिया, पटना। अब आपको दिखलाएंगे कुंडलपुर महोत्सव रथ यात्रा की खूबसूरत झलकियां। महावीर जयंती के मौके पर नालंदा के कुंडलपुर
महल जहाँ भगवान का जन्म हुआ था वहाँ से निकाली गई है। देश के कोने कोने से जो भक्तगण आए हैं वे सभी रथ यात्रा में शामिल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।